हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग अर्मफ के क्लब ड्यूनी माइलस्टोन परफ्यूम की, जो कि ईडीबी कंसंट्रेशन में आता है 105 ml में। गोल्डन और व्हाइट कलर की इसकी पैकेजिंग है, बहुत अच्छे लग रहा है देखने में बॉक्स। ऊपर से आप देख सकते हैं अर्मफ का लोगो, नीचे से आप देख सकते हैं बार कोड दिया हुआ है और यहाँ पर इसकी बैक डिटेल्स भी दी गई है, पीछे भी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब जल्दी से शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं परफ्यूम कैसा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। ठीक ठाक बॉक्स है, जल्दी से इसे ओपन करके देख लेते हैं अब। और ये हमने बॉक्स ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार्ड अब आने लगा है कुछ टाइम से। इसमें अर्मफ क्लब ड्यूनी माइलस्टोन और अर्मफ क्लब ड्यूनी विमेन दिया है और यहाँ पर सियाज और क्लब ड्यूनी इंटेंस मैन। चलिए इसे साइड में रखकर बॉटल बाहर निकाल लेते हैं। और ये मैंने बॉटल बाहर निकाल लिया, बहुत ही प्यारी बॉटल लग रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आई कैचिंग। इसका जो कलर है ना तो वो गोल्डन लग रहा है मुझे और ना ही सिल्वर, ये कुछ कॉपर गोल्डन कलर में लग रही है बॉटल, बहुत ही सुंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इसकी ये चेन है वो कभी टूटी हुई नहीं मिली है मुझे इस वेरियंट में। हालांकि क्लब ड्यूनी इंटेंस में मोस्टली 90% केस में ये बैज उखड़ा हुआ और चेन टूटी हुई मिलती है मुझे, बट फॉर्चुनेटली अभी तक मेरे साथ क्लब ड्यूनी माइलस्टोन और सियाज में ऐसा नहीं हुआ है। नीचे देख लेते एक बार, नीचे स्टिकर लगा है ओडी परफ्यूम 105 ml का और यहाँ पर इसकी बैक डिटेल्स भी दी गई हैं। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये अर्मफ क्लब ड्यूनी यहाँ पर लिखा हुआ। और इसकी कैप भी एक बार निकाल के देख लेते हैं कैसी कैप है इसकी। और दोस्तों, इसकी कैप बहुत ही हैवी है, अच्छी क्वालिटी की मेटलिक कैप है बाहर से और अंदर से प्लास्टिक है, बट कैप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जो यहाँ पर ये फेक डायमंड्स लगे हुए ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं, जो इसकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी मुझे सच में इसकी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बॉटल है। और इसका एटोमाइजर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एटोमाइजर पर आप देख सकते हैं अर्मफ का लोगो है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि इस पर कोई लोगो नहीं होता, प्लेन एटोमाइजर होता है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा अर्मफ वाले कभी कभी चेंजेस करते रहते हैं। अब जल्दी से इसकी स्प्रेयर क्वालिटी भी देख लेते हैं स्प्रे करके। स्प्रेयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ब्रॉड मिस्ट है, सेटिस्फैक्ट्री और स्मूथ स्प्रेयर है इसका, कोई शिकायत नहीं है स्प्रे में। और दोस्तों, इसकी स्मेल भी अब मेरी नाक तक पहुंचने लगी है, बहुत ही फ्रेश नोट्स में सबसे ज्यादा फील कर पा रहा हूँ पहली स्निफ में। मरीन नोट्स मुझे इसमें कुछ आ रही है, कुछ मस्की टाइप फ्रेग्रेंस मुझे फील हो रही है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सूदिंग फ्रेग्रेंस लग रही है कि मतलब बिल्कुल रिफ्रेश हो गया इस फ्रेग्रेंस को स्निफ करने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नोट्स मैं फील कर पा रहा हूँ वो फ्रेशी नोट्स हैं, मरीन नोट्स हैं, कुछ फ्रूट नोट्स भी है। सच में ये बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत सूदिंग है। मैं इस फ्रेग्रेंस को पर्सनली यूज कर चुका हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है ये फ्रेग्रेंस। ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है दोस्तों, और इस फ्रेग्रेंस को स्निफ करने के बाद मुझे एक फ्रेग्रेंस की याद आ रही है जो है क्रीड का नीश परफ्यूम मिलेसी में इंपीरियल। ये फ्रेग्रेंस मुझे उसकी याद दिला रहा है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग और अच्छी फ्रेग्रेंस है। इवन ये बहुत वर्सेटाइल भी, आप इस फ्रेग्रेंस को कहीं भी यूज कर सकते हैं, पार्टीज में, डेट्स पर या कैजुअली अपने ऑफिस में भी। वेदर की बात करें तो सूटेड फ्रेग्रेंस है, बट ये वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है तो आप इसे मौका दे सकते हैं किसी भी वेदर में, बट सर्दियों में मुझे लग रहा है कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो इसीलिए गर्मियों में ही ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन उतना ज्यादा बीस्ट मोड नहीं, बट अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है जिसका प्रोजेक्शन और सियाज भी काफी हद तक और कुछ घंटों तक बहुत ही अच्छा बना रहता है, तो इसे बुरा परफॉर्मर तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। इवन ये इतना अच्छा ब्लेंड है कि आपको बहुत अच्छे नोटिसेस और कॉम्प्लीमेंट्स भी जरूर दिलवाएगा। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सूदिंग हाई क्लास ब्लेंड है। अगर आपको चाहिए कि कोई फ्रेग्रेंस गर्मियों में और रेनी सीजन में भी आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स और नोटिसेस दिलवाए, तो आपको ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। ये एक टोटली वर्थ फ्रेग्रेंस है और अर्मफ की बेस्ट 5 फ्रेग्रेंसेस में से एक है। तो दोस्तों, ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। किसी भी परफ्यूम की रिक्वायरमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।